Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problem number 81 of R.D. Sharma, exercise 6.1, level 2. ये basically trigonometric identities chapter का problem, ये 6.1 जो है trigonometric identities है, और उसी का ये problem है, आप देख रहे हैं, identity based problem है. Level 2 का, पिछले lecture में भी मैं बताया था कि level 2 ऐसा मुश्किल नहीं है, और इसका इस problem से अच्छा example कुछ हो नहीं सकता है. ये प्योर इंट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है. इंट्यूशन एक वर्ड होता है, आप इंट्यूशन, ठीक है. तो इसको, इसका मतलब होता है कि अपने को बस किसी चीज़ को एक अंदाज़ा लगाना होता है कि इसको किस तरीके से करेंगे. अब देखिए, इसको करने के बाद आपको पता चल जाएगा. पहले दिया हुआ है क्या है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन. तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए. क्लियरली वन माइनस कॉस स्क्वायर क्यों हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए. तो कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. ये इक्वेशन हमारा वन गिवेन है, इसको मान लेते हैं टू. अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम, नहीं इस फ्रॉम से अच्छा है लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग कॉस ए from equation 2 in equation 1. cos a का मतलब sin square है, इसका वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं. तो क्या हो जाएगा, cos a के जगह पे क्या, सॉरी cos a के जगह पे क्या आ जाएगा, sin square a, और cos square a के जगह पे क्या आ जाएगा, sin 4a is equal to 1. अब आप अपने level 2 के problem का देखिए क्या हालत है. बेचारा बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस आपको एक कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना होता है और बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.